नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम कार्यकर्ताओं द्वारा कसरावत पत्रकारों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान हुआ, जिसमें नगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। NMOPS के जिला प्रभारी दिनेश पटेल ने बताया कि पत्रकारों का हमारे इस आंदोलन में प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो हमारी मांग को हमेशा सरकार तक पहुंचाते हैं और अपनी खबरों द्वारा प्रमुखता से कार्य करते हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष ग्यारसी लाल पटेल द्वारा 22 जून को नगर में आने वाली रैली को लेकर भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में NMOPS कार्यकर्ताओं ने एवं सभी पत्रकारों ने मौजूद रहकर अपनी भागीदारी निभाई। सर, हमारे राष्ट्रीय नेता जो विजय कुमार बंधु हैं, वो पूरे भारत देश के पुरानी पेंशन बहाली NPS निजीकरण भारत छोड़ो पर काम कर रहे हैं। वो उनका अनुभव या उनका काम तो बहुत लंबा है, 2012-13 से उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन इसको मूर्त रूप दिया है बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 2017 से। वो हमारे निमाड़ में 1 जून से चंपारण बिहार से प्रारंभ करते हुए यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में 17 जून को आ रहे हैं। 17 जून के बाद उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करते हुए 22 जून को हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी व्यापक तैयारियां की गई है हमारे द्वारा। हमारे जैसे कि हमारे जिला प्रभारी महोदय ने बताया है कि 400 से 500 वाहन का कारवां उनके साथ चलेगा। उनका जगह जगह स्वागत मंच तैयार किए जा रहे हैं। उनके बैनर, फ्लैग, पोस्टर सभी महेश्वर से लगाकर कसरावत, खरगोन और बिकनगांव, देसगांव तक उनकी बहुत बड़े स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही। बिल्कुल सर, ये आंदोलन अब कर्मचारियों का आंदोलन रहते हुए एक जनमानस आंदोलन हो गया है, क्योंकि इसमें निजीकरण भी मिला हुआ है। उदाहरण के लिए अभी काफ़ी दुख की बात है कि जो रेलवे हादसा हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए थे। उस रेल पे जो यात्रा कर रहे थे उनके 7 से 8 हज़ार रुपये टिकट था, लेकिन वही उस परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए जो आने जाने को एयर टिकट हो गया था 50 से 56 हज़ार रुपये। तो यही है निजीकरण, इसके दुष्प्रभाव यही है कि कहाँ उनने उसका फायदा उठाते हुए मतलब 8 हज़ार के टिकट को 55 हज़ार रुपये लेने को जा रहे हैं, ये निजीकरण है। यही काम अगर शासकीय संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति होती तो उसके नियम से जो भी होता है वो एक सामान्य व्यक्तियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार देखती है। जी सर, हमारे 52 विभाग के सारे कर्मचारियों के संगठन हमारे साथ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। उसमें पूरे भारत देश के सारे सरकारी विभाग उनको साथ दे रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवे हो, राजस्व विभाग हो, पंचायत विभाग हो, बैंक भी आ रही है, पुलिस विभाग भी है। ये हमारे अंदर की बात है कि पुलिस विभाग भी हमारे साथ है। धन्यवाद। हम लोगों ने वर्तमान सरकार के लिए मांग के लिए लगभग बड़े बड़े 6 महाकुंभ कर चुके हैं और इनमें सरकार तक हमारी बात पहुंचा चुके हैं कि हमारी पुरानी पेंशन की समस्या को हल कर दीजिए, लेकिन इसके बाद भी सरकार हमारी समस्या को या पुरानी पेंशन के ऊपर कोई विचार नहीं कर रही है। इसलिए हमारा नित्य प्रतिदिन नए नए प्रोग्राम और राष्ट्रीय बंधु जी अध्यक्ष जी घोषित कर रहे हैं और आगामी जितने भी कार्यक्रम होंगे, अगर सरकार हमारी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम आगामी और बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और हमारा 1 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष है। बिल्कुल ही हमने जो आंदोलन चलाया है, निश्चित ये कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा है। यह आंदोलन अब एक जन आंदोलन बन गया है, क्योंकि पेंशन वाला मुद्दा कोई कर्मचारियों का ही नहीं है, ये चपरासी से लगाकर कलेक्टर तक का है और देश की पैरामिलिट्री फोर्स है जो देश की बॉर्डर पे सुरक्षा कर रही है, उसकी भी पेंशन इन लोगों ने छीन ली है। तो निश्चित ही ये एक सामान्य आंदोलन नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका है। बिल्कुल, हमारे 2 लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं हम, एक तो पुरानी पेंशन और निजीकरण।
निजीकरण भी देश के लिए घातक है, जो सरकार वर्तमान में हर चीज प्राइवेट कर रही है, लेकिन ये सामान्य जनता के लिए घातक है, क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है। जो एयर टिकट हमको 3,000 में मिलता था, वो आज 30,000 में मिल रहा है। ये जो रेलवे की पार्किंग आज 10 रुपए में होती थी, आज 50 रुपए में हो रही है। ये है निजीकरण का नुकसान, इसलिए ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है।